फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल मेडी टुडे। फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट वीडियो होम्योपैथिक फार्मेसी का है और इसके अलावा मैं MCQs ऑफ होम्योपैथी मेडी एंड मेडिका ऑर्गनान एंड रिपोर्ट्री के भी वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आई होप आप लोगों को प्रॉफिट होगा मेरे वीडियो से, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। ओके, तो हम इसमें 5 क्वेश्चंस हैं एंड पर क्वेश्चन को हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1, ड्रग पावर ऑफ मेडिसिन इन न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज ऑप्शन ए 1/5, बी 1/2, सी 1/10, डी 1/100। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज सी, डीडी बेनर्जी फार्मेसी में दिया गया है ये। अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल ड्रग्स आर 1/10 एक्सेप्ट सम ड्रग्स। अब आ जाते हैं हम इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सम मेडिसिन अंडर न्यू मेथड डू नॉट हैव ड्रग पावर 1/10 दे आर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जिन मेडिसिन की ड्रग पावर 1/10 नहीं है उनको देखते हैं न्यू मेथड में। तो आ जाते हैं 1/5000 सल्फर क्यू एंड 1/20 किसकी है, कैक्टस की, लोफोफोरा की एंड मॉस्कस की, एंड 1/100 किसकी है, अम्ब्रा की, क्रोटोंटिक की, ग्लोनाइनम की, काली आर्स की, मेफाइटिस की एंड मर्क्यूरियस साइनेटस, मर्क्यूरियस ब्रोमियम। ओके, 1/667 किसकी, फास्फोरस क्यू की, एंड 1/1000 किसकी है, कॉस्टिकम क्यू, 1/1000 क्लोरिनम क्यू सॉल्यूशन इज प्यूरिफाइड वाटर। ओके, एंड 1/1000 कॉर्टिसोन क्यू इन स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। ओके, सो फ्रेंड्स ये रिमेंबर कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यू मेथड में वैसे तो सबकी ड्रग पावर 1/10 है, जो एक्सेप्शन है उनका ही हमने बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स इसका आंसर सी था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ HPI वाज पब्लिश्ड इन ऑप्शन ए 1971, बी 1973, सी 1978 एंड डी 1979। सो फ्रेंड्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ HPI वाज पब्लिश्ड इन 1971, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, 1971। अब आ जाते हैं हम अदर इंफॉर्मेशन लेते हैं अदर वॉल्यूम्स की। HPI के वॉल्यूम्स एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड नंबर ऑफ मोनोग्राफ हम बताएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1971 और उसमें नंबर ऑफ मोनोग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं 180। ओके, वॉल्यूम सेकेंड में, वॉल्यूम सेकेंड 1974 में हुआ पब्लिश, उसमें मोनोग्राफ हैं 100। वॉल्यूम थर्ड 1978 में पब्लिश हुआ, उसमें मोनोग्राफ हैं 105। वॉल्यूम फोर्थ 1984 में पब्लिश हुआ, उसमें मोनोग्राफ हैं 107। वॉल्यूम फाइव 1987 में, उसमें मोनोग्राफ है 114। वॉल्यूम सिक्स 1991 में, उसमें मोनोग्राफ है 104। वॉल्यूम सेवन 1998, उसमें मोनोग्राफ है 105। एंड लास्ट है वॉल्यूम एट, उसमें 2000 में पब्लिश हुआ, उसमें 101 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाई ऑप्शन ए हैनीमन, सी बी सी कैस्पेरी एंड ऑप्शन सी एम भट्टाचार्य एंड डी ऑटिस क्लैब। सो फ्रेंड्स फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाई सी कैस्पेरी, कुछ तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम देख लेते हैं, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड वाज पब्लिश बाई अ जर्मन डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी इन 1825। इट वाज नेम्ड डिस्पेंसोरियम होम्योपैथिका। तो इसका नाम क्या था फ्रेंड्स, डिस्पेंसोरियम होम्योपैथिका। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1870 में. ओके, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन यूएसए फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक वाज पब्लिश्ड इन 1897 बाय ऑटिस क्लैब एंड सन. In 1882, Borick and Tappel of New York, Philadelphia and Chicago published the American Homeopathic Pharmacopoeia AHP and has 10 editions. First Indian Homeopathic Pharmacopoeia was published by M. Bhattacharya and Company of Calcutta in 1893. It was named as Pharmaceutics Manual. Okay friends. Question number 4th. Inocardium is prepared from option A, fruit, B, flower, C, bark of the root and D, leaves. So friends, inocardium is prepared from fruit. So correct answer is A. And it is called as marking nut. Okay. So friends, agar aap logo ko mera video achha lag raha ho, to please like and subscribe karna na bhule. एंड हमारे अदर वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें. वो उसमें होम्योपैथिक मीडिया मेडिका ऑर्गेनाइन एंड रिपोर्टिक एमसीक्यूज हैं. सो चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. एथिल अल्कोहल इज ए मोनोहाइड्रिक, बी डाइहाइड्रिक, सी ट्राइहाइड्रिक एंड डी टेट्राहाइड्रिक. सो फ्रेंड्स, एथिल अल्कोहल इज मोनोहाइड्रिक. सो करेक्ट आंसर इज ए. According to the number of OH group present, the corresponding alcohols are termed as monohydric, dihydric, trihydric and tetrahydric alcohol. So ethyl alcohol C2H5OH and methyl alcohol CH3OH are monohydric. Additional information लेते हैं friends. Glycerin is trihydric. Formula इसका C3H5OH का होल क्यूब and mannitol एंड सॉर्बिटॉल आर हेक्साहाइड्रिक. ओके, सो फ्रेंड्स रिपीट अगेन, ग्लिसरीन इज ट्राईहाइड्रिक एंड मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल आर हेक्साहाइड्रिक. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ए है. ओके, तो हम ये ट्राईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ड्राईहाइड्रिक, ये हम नंबर ऑफ ओएच ग्रुप जितने भी प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हमारे नेक्स्ट वीडियोस को भी देखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.